माय नेम इज श्रवण निषाद। ये सेकंड मैं एमवेट का टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। देखो इसके अंदर शेड्यूल्स आते हैं, शेड्यूल्स ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी, डी, ई करके ऐसे गुड्स आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि आपके एग्जाम में अगर परसेंटेज नहीं देता है तो आपको परसेंटेज पता होना चाहिए कि किसका बाय डिफॉल्ट क्या परसेंटेज लिया जाता है। ठीक है, सो आज मैं आपको परसेंटेज के बारे में बताऊंगा, क्या मेन मेन टॉपिक है, क्या क्या चीजें इसमें है जो आपको परेशानी में डालती है और आपको मार्क्स कम आते हैं, ये सारी चीज का मुझे डिस्कशन करना है आपको। ठीक है, तो चलो एमवेट का इस टॉपिक को देखते हैं। देखो इसके अंदर ना आपको शेड्यूल ए, बी, सी, डी एंड ई, ये पांच शेड्यूल के बारे में बातचीत मुझे करना है। सो ए शेड्यूल मतलब क्या, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आते हैं। देखो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मतलब क्या, एज पर गवर्नमेंट अगर आप कोई एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट खरीदते हो तो उस पर वेट चार्ज नहीं किया जाता है। ठीक है, सो ए में वही सारी चीजें आती है, जैसे आपका गुड़ बनता है, जो आपका मतलब एग्रीकल्चर में जो भी और चीजें प्रोड्यूस होती रहती हैं, जैसे आपका वीट हो गया, ऐसी सारी चीजों के बारे में बातचीत होती है यहाँ पे। तो आपको इस क्वेश्चन में कुछ फाइंड आउट करने नहीं आएगा कि ये प्रोडक्ट है तो आप डिसाइड करो कौन सा शेड्यूल, और उसमें सीधा लिख के देगा, ए बी सी डी लिख के देगा, आपको सिर्फ परसेंटेज याद रखना। मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ ए मतलब क्या होता है। ठीक है, सो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, इस पे जो है आपका जो वेट लगता है वो नील मतलब 0% लगता है। बी में आपका ज्वेलरीज के आइटम्स आते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, आप कुछ नेकलेस लेते हो या कोई और चीज खरीदते हो गोल्ड्स में, सो इसमें 1% आपको चार्ज किया जाता है, 1% आपको टैक्स लिया जाता है। उसके बाद हमारा सी है, सी में जो है रॉ मटेरियल आते हैं, रॉ मटेरियल जैसे कच्चा माल की मैं बात कर रहा हूँ, जो भी आप प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हो उस चीज को अगर आप कच्चा माल मंगाते हो, रॉ मटेरियल मंगाते हो, तो उस पे आपको टैक्स लगता है। पहले ये 4% था, अभी रिसेंटली 5% इस पे चार्ज किया जाता है। तो देखो एग्जाम में कुछ नहीं बोला तो आपको 5% लेना है, या फिर जो परसेंटेज बोलेगा वो परसेंट लेना है। ठीक है, शेड्यूल डी में क्या होता है, शेड्यूल डी में ना आपको लिक्विड की चीजें आती है, जैसे लीकर हो गया, अल्कोहल हो गया, जो भी चीज आप ड्रिंक करते हो वो सब चीजें आपका शेड्यूल डी में आता है। इसका परसेंटेज जो है 20% चार्ज किया जाता है, कभी कभी 25% भी किसी किसी में चीजें मिलेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द 20 को आपको ध्यान में रखना है। और अगर कोई और परसेंटेज हुआ तो वो परसेंटेज देगा, वही परसेंट चुपचाप निकाल देने का, आप माइंड कब लगाओगे जब परसेंटेज नहीं दिया रहेगा। शेड्यूल ई में वो बची कुछ सारी चीजें आती है जो इन तीन चारों शेड्यूल में नहीं आती है, और उसपे बाय डिफॉल्ट 12.5% चार्ज ऐसा लगाया जाता है, 12.5% चार्ज क्या किया जाता है, सेट किया जाता है। सो ध्यान से देखो ये परसेंटेज है बाय डिफॉल्ट, इनके बारे में मैंने आपको मीनिंग बताया। ठीक है, सो पूरा क्वेश्चन स्टार्ट कर देता हूं मैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ताकि इससे रिलेटेड भी आपको बाकी अदर वीडियोस भी मिलते रहे, आप आगे की भी स्टडी करोगे तो उसमें भी मैं अकाउंट्स के वीडियो डालता हूँ, वो वीडियोस भी आप एडवांटेज ले सकते हो। ठीक है, तो चलो ये शेड्यूल हमारा डिस्कस हो गया, अब मैं बात करता हूँ कि हमें कैसे आपके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो जब भी आप एमबेड का ये शेड्यूल वाला क्वेश्चन को पढ़ोगे, आपको कुछ चीजें दिमाग में रखनी है, ओएमएस परचेस मतलब आउट ऑफ महाराष्ट्र का परचेस नहीं कंसिडर करना है, आउट ऑफ महाराष्ट्र का परचेस आपको नहीं कंसिडर करना है। उसके बाद ऐसा कोई परचेस या सेल है जो अनरजिस्टर्ड डीलर से हुआ, जो रजिस्टर्ड डीलर नहीं है, तो देखो जब वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके ऊपर एमवेट नहीं आने वाला, तो वो अमाउंट को आप इग्नोर करोगे। देखो आउट ऑफ महाराष्ट्र का परचेस आप कैंसिल कर दोगे, उस अमाउंट को कंसिडर नहीं करोगे। उसके बाद मैंने कहा कि अगर वो अनरजिस्टर्ड डीलर है, उससे परचेस या सेल हुआ है, तो उसके अमाउंट को अभी हमें कुछ मतलब नहीं रखना है। अगर आपने एक्सपोर्ट किया है गुड्स, वो भी अमाउंट को आपको कोई मतलब नहीं रहता है, वो अंडर सेक्शन 8 में एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, सो ध्यान से अनरजिस्टर्ड डीलर या फिर आपका अनरजिस्टर आउट ऑफ महाराष्ट्र कुछ आपने परचेस किया है या कुछ एक्सपोर्ट किया है आपने अगर, और वो सब क्या होता है आपको कंसिडर नहीं करना है। आपको लिखेगा शेड्यूल ई तो आप समझ जाओगे चलो परसेंट नहीं दिया तो 12.5%, लेकिन एक्सपोर्ट है तो लेना ही नहीं है वो। ठीक है, इतना आपको ध्यान में आना चाहिए। अब आपका क्वेश्चन स्टार्ट ऑलवेज सेल से होगा, क्योंकि सबसे पहले क्या करते हो आप जो है टैक्स चार्ज करते हो। आप क्या करते हो, फॉर एग्जांपल जैसे आप 10,000 टैक्स चार्ज कर दिए और आपने कुछ खरीदा उस पर 5,000 आपने क्या किया, पे किया, तो आपको ऐसा नहीं लगता 10,000 तो चार्ज किया था, 5,000 आपने पे किया, मतलब 5 और आपको पे करना चाहिए। इसकी वजह से आपका आंसर किस आपका जो भी सॉल्यूशन होता है वो सेल से स्टार्ट होता है। तो अगर सेल से स्टार्ट किया आपने, अगर आपको पॉजिटिव में आंसर आया तो वो टैक्स पेबल रहेगा, और अगर नेगेटिव में आएगा तो रिफंडेबल रहेगा, मतलब आपने ज्यादा पे कर अपना मतलब जो जितना आपने लिया उससे ज्यादा पे किया है आपने। ठीक है, पॉजिटिव मतलब पेबल, नेगेटिव मतलब रिफंडेबल। ठीक, ओके, चलो मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है शेड्यूल ई। देखो कैसे मैंने छोटा सा फॉर्मेट बनाया, आप अपने अपने फॉर्मेट में कर सकते हो, इसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, पर प्रॉपर समझ में आना चाहिए अमाउंट क्या है, शेड्यूल क्या है और कितना परसेंटेज निकल रहा है।
देखो पर्टिकुलर लिखा मैंने, शेड्यूल लिखा, उसका परसेंटेज, उसका अमाउंट लिखूंगा और यहाँ पे उसका परसेंट निकालूंगा मैं। समझ में आ रहेगा आपको ये चीज मुझे यहाँ पे करना है। सो ध्यान से देखना, एकदम क्लेरिफिकेशन, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो देखो लेट्स टेक एग्जाम्पल्स, मैं यहाँ पे शेड्यूल ई गुड्स लिखता हूँ, शेड्यूल ई गुड्स मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब मैं आगे का देखू कैसे फॉलो करता हूँ, मैं यहाँ पे शेड्यूल में लिखूंगा शेड्यूल ई, परसेंटेज कितना है शेड्यूल ई का, नहीं दिया है तो 12.5%। कुछ अमाउंट मैं ले लेता हूँ, जैसे मुझे, मैं कहना चाहता हूँ मुझे अमाउंट मैंने ले लिया 10,000 रुपए, ये रहा 10,000 रुपए, ठीक है, 10,000 मैंने अमाउंट ले लिया। अब ये 10,000 का मुझे क्या 12.5% निकालना है, तो 10,000 का 10% आपका 1,000 होता है, 1,000 को अगर मैं 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा तो 250, तो मेरा आंसर आएगा 1,250, ये मेरा हो गया टैक्स, ठीक। अगर यही जो आपका ये शेड्यूल का आपने सेल किया, वापस आपने सेल किया, आपने ऐसा लिख दिया क्या, सेल OMS लिख दिया आपने, OMS सेल किया आपने कितना 5%, तो आपको ये पूरा डैश डैश कर देना, कुछ मत लेना, क्योंकि मैंने कहा ना OMS परचेस क्या है, आपको इग्नोर कर रहा है। अनरजिस्टर्ड डीलर से आपने परचेस किया है या सेल किया है, क्या किया आपने, अनरजिस्टर्ड डीलर से, मैंने कहा आपको, आपने URD लिख के आता है अनरजिस्टर्ड डीलर, तो इसका भी पूरा क्या होगा, डैश डैश हो जाएगा। समझ गया आप लोगों ने, आपको आप सिर्फ लिखा, देखो ये हो गया सेल का इन्फॉर्मेशन, ठीक। सेल का इन्फॉर्मेशन सब होने के बाद मैं इसका क्या करूंगा, टोटल करूंगा, तो इस सब का टोटल करने की कोई जरूरत नहीं, अपना मेन आंसर का टोटल को 1,250 आपने क्या किया, किसी से चार्ज किया। अब मान लो आपने परचेस किया, परचेस पे तो आप पे करोगे, ठीक। सो यहाँ पे लिख दिया मैंने क्या, परचेस, यहाँ पे मैंने लिख दिया परचेस, मैंने कोई शेड्यूल नहीं लिखा और डायरेक्टली क्या कर दिया मैंने, उसको परचेस लिख दिया मैंने, और परचेस का मैंने सीधा अमाउंट दिखा दिया कि हाँ भाई 20,000 रुपए का परचेस किया। तो देखो जब कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं बोलेगा तो आपको शेड्यूल ई कंसिडर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलवेज आप क्या लिखोगे, शेड्यूल ई, यहाँ पे आप उसका परसेंटेज डालोगे और उसके बाद इसका अमाउंट निकालोगे, ठीक। सो यहाँ पे 20,000 है, 20,000 का 10% आपका 2,000 होता है, 2,000 का 4th part 500, आपके पास कैलसी रहेगा, आप आराम से निकाल सकते हो, ये मेरा कैलकुलेशन है, ठीक है। सो प्रॉपर आपका आना चाहिए, तो ये आ गया आपका 2,500। अब मैंने क्या कहा, आपका सेल में से ना परचेस लेस हो जाएगा, तो जब मैं अब इस अमाउंट से इसको लेस करूंगा तो मेरे को आंसर आएगा 1,250, लेकिन आएगा नेगेटिव में। जो आंसर नेगेटिव में आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्स रिफंडेबल, रिफंडेबल, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव में आता तो टैक्स पेबल होता था। तो ध्यान से देखो, ये कुछ समझाने वाला टॉपिक इतना नहीं है, समझाना क्या है वो अभी बाकी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे डिस्कस करना है। सो प्लीज केयरफुल रहना, परसेंटेज नहीं पता तो परसेंटेज अपने दिमाग में रख लेना, परसेंटेज दिया है तो वही परसेंटेज लेना। हर चीज को लेने से पहले आपको अच्छी तरह होना चाहिए कि सेल के आइटम को पहले ले लो, फिर उसके बाद जो अमाउंट आता है टोटल कर लो टैक्स का, उसमें से लेस क्या करोगे, परचेस वाला लेस करोगे, उसमें से आप परचेस वाला सब जो भी आपके परसेंटेज लेस करोगे। लेकिन जो आप ये सेल और परचेस में जो चीजें ले रहे हो, जिन पे परसेंटेज निकाल रहे हो, उसमें से कोई OMS नहीं होना चाहिए, उसमें से कोई एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए, उसमें से कोई अनरजिस्टर्ड वाला बंदा नहीं होना चाहिए, ऑल आर लोकल पर्सन, सिर्फ तभी आपका MVAT में कंसिडर होगा, क्योंकि आप महाराष्ट्र वैल्यू एडेड टैक्स निकाल रहे हो। अब अगर आपके मन में डाउट आता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्यों अनरजिस्टर को नहीं लिया जा रहा है, अरे भाई वो रजिस्टर ही नहीं तो क्यों लिया जाए, क्यों आउट ऑफ महाराष्ट्र नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि अगर वो गुजरात का बंदा तो उसने GVAT पे किया है, अब वो GVAT वहां भी 10 रुपए देगा, आपको भी देगा, तो उसको क्या प्रॉफिट होगा। समझ में आ रहेगा आपको कैसे क्या करना है। ओके चलो कुछ पॉइंट पे डिस्कस करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो आपको कभी कभी लिख के देता है, आपको ऐसा लिख के देगा क्या, अदर शेड्यूल गुड्स यूज टू मेक अ टैक्स फ्री गुड्स। अब ये तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मतलब अदर शेड्यूल में कुछ भी हो गया, जैसे कि शेड्यूल बी के सामान को यूज किया आपने शेड्यूल ए के सामान को बनाने के लिए, तो जब कुछ ऐसा होता है किसी और शेड्यूल के गुड्स को आप यूज करते हो टैक्स फ्री बनाने के लिए, तो आपको 2% का एग्जम्पशन मिलता है। आपको क्या मिलता है, 2% का एग्जम्पशन मिलता है, ध्यान से देखना, 2% का एग्जम्पशन मिलता है। लेकिन ये 2% के लिए सबसे पहले अमाउंट पता होना चाहिए कि कौन से शेड्यूल के गुड्स को कितना आपने यूज किया। लेट्स से एग्जाम्पल, आपने जो है शेड्यूल बी के गुड्स में, बी का कितना गुड्स था, मान लो 2,00,000 के गुड्स का यूज किया, तो इसी 2,00,000 पे गुड्स पे आपको क्या मिलेगा, 2% का एग्जेम्प्ट मिलेगा, एग्जेम्प्ट मिलेगा। इसको आप प्रेजेंटेट कैसे करोगे, देखो प्रेजेंटेट कैसे करोगे मैं आपको बता देता हूं। नाउ आपको प्रेजेंटेट करने का देख लो क्या रहेगा, लेट्स टेक एग्जांपल, आप सिर्फ कुछ खास नहीं करोगे, जैसे मान लो आपको टोटल टैक्स आया था 1,250, ठीक। आपको क्या करना है, सिर्फ 2,00,000 जो आपका रहेगा, ये जो आपका 2,00,000 रहेगा,
इसका आपको ना 2% निकालना है और इसमें से लेस कर देना है, ठीक है? क्योंकि ये टैक्स तो आप जो भर रहे हो उसमें से 2 लाख, इसी में से 2 लाख सामान का यूज किया ना आपने, तो इसका 2% निकालोगे और क्या कर दोगे, इसका लेस कर दोगे। सो ध्यान से, ये आपका क्या है, 2 लाख है, 2 लाख का 10% 20,000 होता है, ठीक। सो यहाँ पर 4×5=20, इसका 4,000 रुपये आपका लेस हो जाएगा, यहाँ से 4,000 रुपीज आपका क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ध्यान से देखना, 4×5=20 आपका 4,000 लेस हो जाएगा अमाउंट आपका। सो ठीक है, कोई भी टैक्स फ्री, कोई भी ऐसे गुड्स को टैक्स फ्री के लिए बनाया आपने तो आपको 2% का एग्जम्पशन मिलेगा। अब आपको बोलेगा इंटरेस्ट स्टॉक ट्रांसफर, आपने क्या किया, इंटरेस्ट स्टॉक ट्रांसफर कर दिया, मतलब आपको ऐसा लिख के देगा आपने मतलब कुछ ऐसे अमाउंट थे जिसको आपने इंटरनली कहीं ट्रांसफर कर दिया, तो भाई उसमें रजिस्टर का भी रहता है, अनरजिस्टर का भी रहता है। सो देखो, अगर कुछ ऐसा इंटरेस्ट स्टॉक ट्रांसफर करेगा तो इंटरेस्ट स्टॉक ट्रांसफर तो आपका यहाँ आने वाला नहीं है, यहाँ पर इंटरेस्ट स्टॉक, यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड कर लेना, इंटरेस्ट स्टॉक ट्रांसफर यहाँ नहीं आता है, लेकिन उसका एक एग्जम्पशन मिलता है। एग्जम्पशन मतलब क्या, पहले तो ये होता है इंटरेस्ट स्टॉक ट्रांसफर में आपको एक चीज दिमाग में रखना है कि इसमें रजिस्टर वाले डीलर का भी अमाउंट होता है, अनरजिस्टर भी होता है। भाई मैंने सामान खरीदा है, 4 डब्बे में से 2 डब्बा रजिस्टर से खरीदा, 2 डब्बा अनरजिस्टर से खरीदा, तो जब अनरजिस्टर वाला इधर आया ही नहीं तो उसका अमाउंट का एग्जम्पशन कैसे मिलेगा। सो ध्यान से, वो ऐसा इंटरेस्ट स्टॉक तो लिखेगा लेकिन नीचे आंसर लिख के देगा कि इंटरेस्ट स्टॉक ट्रांसफर में रजिस्टर डीलर 2 लाख का है, वो ट्रांसफर हुआ है, तो वो जो 2 लाख रहेगा उस पे 4% का आपको एग्जम्पशन देना है। जैसे ये दिया ना मैंने, वैसे उस पे 4% का एग्जम्पशन देना है। कि किसके अमाउंट पे देना है, जो इंटरेस्ट स्टॉक अमाउंट रजिस्टर डीलर वाला रहेगा सिर्फ उस पे देना है, या लोकल परचेस वाला रहेगा उस पे देना है। समझ रहे हो आप लोग? अब उसके बाद देखो, आपको मैंने कहा ना जो अदर आइटम्स होते हैं वो शेड्यूल ई में आते हैं, लेकिन शेड्यूल ई में अगर आपको ऐसा लिख के देता है क्या, ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस फिक्स्चर, ऐसे अगर कुछ लिख करके देता है तो उसपे 12.5% चार्ज मत करना, उसपे 9.5% चार्ज होता है, उसपे 3% का आपको एग्जेम्प्ट मिलता है। तो आइदर आप 12.5% निकालो और फिर 3% निकाल के लेस कर दो, या डायरेक्ट 9.5% निकालो, ठीक है? सो ध्यान से देखो, ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, फिक्स्चर्स, ये सब पे 3% क्या होता है, लेस होता है। अभी फ्यूल क्या होता है, फ्यूल इज अ रॉ मटेरियल, फ्यूल आपका क्या होता है, मोस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल में आता है। तो देखो, अगर जिस तरह ऑफिस फर्नीचर, इक्विपमेंट और फिक्स्चर्स पे 3% का आपको एग्जेम्पशन मिलता है, उसी तरह फ्यूल पे भी 3% का एग्जेम्पशन मिलता है, ठीक है? ये सब चीजें मैं सिर्फ इतने सिखा रहा हूं, जैसे एग्जाम्पल लेता हूं मैं, 10,000 अमाउंट है और ये शेड्यूल ई का, तो आप डायरेक्टली 12.5% निकालते हो। अगर उसमें से ये जो 10,000 अमाउंट है, अगर इनमें से कोई अमाउंट वो रहेगा फिक्स्चर, फर्नीचर, इक्विपमेंट में, तो 12.5 की जगह पे 9.5% निकालोगे तो आपका राइट आंसर आएगा, 3% एग्जाम दे दोगे, ठीक है? नाउ आपको लिखता है, देखो सेटअप अवेलेबल, लास्ट में एक वर्ड कभी कभी लिख देता है सेटअप अवेलेबल, कुछ तो सेटअप अवेलेबल है, मतलब 5,000-6,000 आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो जो भी आप टैक्सेबल टोटल पे रहेगा ना, जैसे आप एक सम कर रहे हो और आपको कुछ आंसर आया और वही आपको टैक्सेबल पे करना है, लेकिन अगर सेटअप करके लिख के देता है तो उसी अमाउंट को उसमें से क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। एग्जाम्पल देता हूं मैं, जैसे मान लो आपका सेल में से, सेल आपका टैक्स आया था टोटल जो आपने परसेंटेज निकाला, दैट इज 40,000, उसमें से आपने परचेस वाला टैक्स लेस किया कितना, 20,000, तो आपको टैक्स पेबल आएगा 20,000, लेकिन आपको लिखा है 7,500 सेटअप, तो आप ये इसमें से 7,500 और माइनस कर दोगे, 7,500 और आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो आपको आंसर कितना आएगा, 12,500। तो ये आपका मेन रहेगा, देखो सेटअप करके लिखा रहता है सेटअप अवेलेबल, ठीक, ये आपका समझ में आना चाहिए आपको। और आपको एक देता है कि क्रेडिट टैक्स लेस फ्रॉम से, मतलब क्या होता है, क्रेडिट टैक्स लिखा रहता है, क्रेडिट अवेलेबल, ओपनिंग बैलेंस रहता है कुछ तो देखो, तो अगर ऐसा ओपनिंग बैलेंस करके आता है वो भी सेम ऐसे ही होगा, आपका जो भी टैक्स रहेगा ना उसमें से लेस हो जाएगा वो, अगर ओपनिंग बैलेंस करके कुछ लिख के देता है, ओपनिंग क्रेडिट करके लिख के देता है, तो जो भी टैक्स आप पे कर रहे हो ना उसमें से वो लेस हो जाएगा, मतलब उतना कम, क्योंकि वो लास्ट ईयर का उतना आपका रिफंड, लास्ट ईयर का आपका उतना रिफंड रहता है, ठीक है? ये चीज आपको समझा रहेगा। देखो एमवेट में ABCD वाला जो क्वेश्चन है 15 मार्क्स का आता है, बहुत ही केयरफुल रहना है स्टूडेंट्स, इससे आपको बहुत सारे डाउट्स और भी मुझे पता है निकल रहे होंगे, आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, तो प्लीज जरा वीडियो पे कमेंट करो। अब लास्ट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो मिस मत करना आप लोग। कभी कभी ऐसा बोलता है कि व्हीकल है, पैसेंजर व्हीकल है, या कोई ऐसी चीज जो आप पैसेंजर के लिए खरीदते हो उसको आपने कैपिटल एसेट बना लिया। देखो क्या होता है, जब आप कोई कार खरीदते हो तो उसकी एक वैलिडिटी होती है, मतलब उसको आप ऑन रोड चला सकते हो 5 से 6 साल तक,
उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसको चला नहीं सकते, चलाओगे लेकिन फैमिली के लिए यूज करो, क्यों, क्योंकि उसकी वारंटी खत्म है, कभी भी उसका एक्सीडेंट हो सकता है, तो उसमें पैसेंजर बैठे उनका नुकसान हो जाएगा ना, या जो भी उनकी उनके हेल्थ के ऊपर इश्यू हो जाएगा, तो इसके लिए गवर्नमेंट बोलती है तुम खुद यूज करो, तुम्हारी फैमिली को प्रॉब्लम होगा दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखो इफ इट इज रिटन लाइक दैट कि पैसेंजर व्हीकल्स और एनी एसेट्स फॉर अ पैसेंजर, ऐसी चीजों के जो फोर व्हीलर्स होते हैं, टू व्हीलर, ऐसा चीज आपने खरीदा, लेकिन उसको अगर आप कैपिटल एसेट बना लेते हो, उसको आप कैपिटल एसेट बना लेते हो, तो वो शेड्यूल ई में कंसिडर नहीं होगा, वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। समझ रहे हो आप लोग, पैसेंजर व्हीकल हेल्ड फॉर कैपिटल एसेट्स, या कोई ऐसा, कोई भी ऐसा व्हीकल, बस, ट्रक, ऑटो, जो भी आप रहता है, उसको अगर आप एज पर्सनल कैपिटल एसेट बना लेते हो, तो वो शेड्यूल ई में नहीं आएगा। ठीक है, इतना ही मेरा डिस्कशन है इस जो भी टैक्स के टॉपिक के ऊपर है। और भी कुछ डाउट्स आते हैं तो प्लीज वीडियो पे कमेंट करो, जस्ट मैं और एक वीडियो अपलोड करूंगा सर्विस टैक्स का, जिससे आपका पूरा टैक्स कंप्लीट हो जाएगा, आप आराम से जो है टैक्स में पास हो सकते हो, अच्छा स्कोरिंग कर सकते हो। कुछ और नोट्स की जरूरत रहेगी तो प्लीज व्हाट्सअप करो, मैंने वहां पे अपना मोबाइल नंबर भी अपडेट करके रखा है, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।